हर 10 में से 8 लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि नेचुरल या विटामिन डी को अपनी बॉडी में कैसे बढ़ा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनी है और मैं एक सीनियर डाइटिशियन हूँ। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि नेचुरली विटामिन डी को अपनी बॉडी से कैसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो क्या आपको भी हाथ पैरों में दर्द, बैक में पेन होना, स्ट्रेस ज्यादा होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, बालों पर बहुत ज्यादा झड़ना, इसके अलावा वेट का गेन होना, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील होता है तो इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये विटामिन डी का ही कमी हो। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, जो कि आपके पास से लेबोरेटरी से हो जाएगा। विटामिन डी की रेंज हमारी 3 रेंजेस में आती है। अगर आपके विटामिन डी की रेंज 40 से 60% में है, यानी कि 40 से 60 नैनोग्राम पर मिलीलीटर में है, तो आपका विटामिन डी बिल्कुल सफिशियंट है, आपको इसके लिए घबराना नहीं है। लेकिन अगर आपका विटामिन डी 20 से 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर में है तो वो इनसफिशियंट है, और उसको बढ़ाने के लिए आपको सोर्सेस ऐड करने पड़ेंगे अपनी डाइट में। और अगर आपका विटामिन डी लेस देन 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है तो वो एक डेफिशिएंसी का शिकार है, और डेफिशिएंसी होने की वजह से ही आपको ये वाले सारे सिम्टम्स फील हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि विटामिन डी आप सबसे जरूरी तो नेचुरली हमारा इसका एक सोर्स होता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको उसे खरीदना नहीं है, आपको उसको लेने नहीं जाना है, वो डायरेक्ट आपको मिलता है विच इज सनलाइट। सनलाइट को हम एक यूनिवर्सल सोर्स बोलते हैं विटामिन डी का। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि धूप में बैठने से ही आपको विटामिन डी मिल जाएगा। मेक श्योर करें कि जब भी आप धूप में बैठते हैं तो आपके हैंड्स या फिर आपके जो पैर होते हैं वो एक्सपोज करें। सनलाइट की जो यूवी रेज होती है वो आपकी स्किन के टच में आनी चाहिए डायरेक्टली। जब ऐसा होता है तभी आपका जो विटामिन डी होता है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। दूसरी बात, खाने के हमारे कुछ ज्यादा सोर्सेज नहीं होते विटामिन डी के, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत ऐसे सोर्सेज हैं जो हम लेके अपना विटामिन डी को बैलेंस में रख सकते हैं, जिसका पहला सोर्स होता है मिल्क। मिल्क कैल्शियम में तो काफी रिच होता है, लेकिन उसमें विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन आज के टाइम पे उसमें फोर्टिफिकेशन की गई है, जिसकी वजह से उसमें विटामिन डी ऐड करा जाता है। तो अगर आप फोर्टिफाइड मिल्क लेंगे, विच इज वेरी मच अवेलेबल, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो उसको लेने से कैल्शियम भी आपको प्रोवाइड होगा, विटामिन डी भी प्रोवाइड होगा, और इसके अलावा अदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी आपकी बॉडी में एड ऑन होते हैं। दूसरी बात है तिल, जिसे हम कहते हैं सेसमे सीड्स। अगर आप सेसमे सीड्स लेते हो, वो आप चाहे पंजीरी के फॉर्म में लो, चाहे आप लड्डू के फॉर्म में लो, चाहे आप मिल्क के साथ ले लो, तो वो भी आपका विटामिन डी लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। तीसरा हमारा एक सोर्स होता है, जिसको हम नॉर्मली अगर आप देखेंगे, आपको मशरूम्स जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। हालांकि जो हम मशरूम्स लेते हैं मार्केट से उसमें विटामिन डी नहीं होता, लेकिन उसमें विटामिन डी को ऐड करने से आप क्या कर सकते हैं, उसको नॉर्मली जब कुक करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि थोड़ी देर उसको आप वॉश करके एक बार धूप में रख दीजिए, तो उससे भी उसमें विटामिन डी के एक्सट्रैक्ट्स काफी ज्यादा आ जाते हैं। तो ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं विटामिन डी के, जो आप नॉर्मली ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका विटामिन डी लेस देन 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है, तो उस केस में आपको मेक श्योर करना है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इसके सप्लीमेंट्स लीजिए। सप्लीमेंट आप मेक श्योर करिए कि साथ में कुछ एलिमेंट्स या फिर कुछ वॉलनट्स के साथ लें, क्योंकि ये एक गुड फैट होता है। और मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा तभी होगा हमारी बॉडी में अगर हम साथ में कोई गुड फैट भी ऐड करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर इन्फॉर्मेशनल भी लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेक श्योर कीजिएगा कि मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के बारे में चाहिए। थैंक यू एंड प्लीज टेक